हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोरमा और मैं आज आप लोगों के साथ में एक एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो जॉब ओपनिंग आई है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। एचडीएफसी बैंक पर फिलहाल के लिए एक कंसल्टेंट का रोल है, जो कि फिलहाल आप कह सकते हो कि आपकी जो जॉब है वो पार्ट टाइम में कर सकते हो, फुल टाइम में कर सकते हो। सबसे पहले इसके और डिटेल्स जानने से पहले मैं इसके बेनिफिट्स जो है वो आप लोग के साथ में शेयर करना चाहूंगी, और उसके लिए मैं सीधा आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर लेके जाऊंगी। इसके अर्निंग का पोटेंशियल कैसे, अप्लाई कैसे करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं डिटेल में शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले एज ए कंसल्टेंट जब आप HDFC बैंक में काम कर रहे हो तो उसके आपके बेनिफिट्स क्या मिलने वाले, तो गाइस जिससे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कि सबसे पहले आप लोगों को जो बेनिफिट मिलने वाला है दैट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, जो सेकंड आप देख सकते हो दैट इज द फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, मतलब आपके हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हो, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, 3 आवर्स करो, 4 आवर्स करो, दिन भर करो, आपके हिसाब से काम करो। नेक्स्ट है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आप यहाँ पर यूज करोगे, एंड यू विल गेट स्किल्ड एंड ग्रूम्ड गाइज, ओके, एंड यू विल ऑल्सो गेट अ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन फॉर दिस वर्क। एंड ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये काम करने के लिए आप खुद को आपको कहीं जाकर सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, तो नहीं गाइस, HDFC बैंक खुद की तरफ से यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। ओके, और वो भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर नहीं, तो एक प्रोफेशनल गाइडेंस आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, और उसी के साथ में जो काम आप कर रहे हो उसके लिए 24/7 आप लोगों को सर्विस सपोर्ट जो है वो आप लोगों को HDFC बैंक की तरफ से यहाँ पर मिलने। हु कैन वर्क एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, तो गाइस इसका जवाब यह है कि जिसका एज 18+ में है वो सारे लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हो, या फिर आप हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड हो, आप कहीं सर्वेंट हो, आप गवर्नमेंट काम कर रहे हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और ये पार्ट टाइम में आप ये काम करना चाहते हो, तो आप ये काम जो है यहाँ पर कर सकते हो। ओके, जिसका एज 18+ में, आप फिर स्टूडेंट भी हो, आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि HDFC का जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उसका काम क्या है, उसका जॉब का प्रोफाइल क्या है। तो गाइस ये बहुत ही ईजी ऐसा प्रोफाइल है, आप लोगों को यहाँ पर कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए, या आप लोगों को लैपटॉप चाहिए, या बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप ये जो काम वो घर पर बैठकर आराम से आपके मोबाइल के थ्रू में ये कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर जो ट्रेनिंग मिलती है वहां पर आप लोगों को सिखाया जाता है कि आपको ये काम कैसे करना है, आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आप लोगों के पास में क्या स्किल होनी चाहिए, सारी चीजें जो है वो आप लोगों को यहां पर सिखाई जाती है। एक्चुअल में क्या होता है कि HDFC में अगर आप किसी को एक FD ओपन करनी है या किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो वो कैसे परचेस करते हैं, ये सारी जो डिटेल्स है ना वो आप लोगों को कस्टमर को बताने पड़ते हैं। उनको ये जो है उनके जो कस्टमर HDFC बैंक के जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनको आप लोगों को यहाँ पर सेल करना पड़ता है, और उसी के बेसिस पर जो इन लोगों का आप जितना सेल आउट करते हो उसका एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पर HDFC बैंक की तरफ से आप लोगों को आपके खाते में यहाँ पर जमा होता है। तो अर्निंग का पोटेंशियल काफी अच्छा है, जितना आप यहाँ पर काम करोगे, जितने आप लोगों को लीड्स प्रोवाइड होते हैं यहाँ पर, उन लीड्स को आप जितना कन्वर्ट करोगे आपके सेल में उतना ही आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। लीड्स HDFC भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और खुद से भी आप यहाँ पर आपके लीड्स जो है खुद से भी जनरेट कर यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। डेफिनेटली अर्निंग का पोटेंशियल जो होता है वो आप जितना यहाँ पर काम करते हो, जितने लीड्स को यहाँ सेल्स में कन्वर्ट करते हो, उसके जो परसेंटेज होते हैं उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर अर्निंग होता है। तो मिनिमम आप लोग 10-20,000 आराम से यहाँ पर कमा सकते हो। अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आप लोगों को आपके सेल्स का स्किल अच्छे हैं, या आप लोगों को लगता है कि भाई एक बैंक की तरफ से मुझे काम करना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आप लोगों का पोटेंशियल यहाँ पर काफी अच्छा होता है। आप कैसे यहाँ पर एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनकर काम कर सकते हो, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है गाइस। जैसे आप देख सकते हो कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो लिंक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो एक फॉर्म ओपन हो जाता है, तो उस फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करना है। बहुत सिंपल सा फॉर्म है जहाँ पर आप लोगों का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करना है। उसके बाद में क्या होता है, तो आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तो जैसे कि आपका एज का प्रूफ है, एड्रेस का प्रूफ है, एजुकेशन प्रूफ है, पैन कार्ड है, देन आपका पासपोर्ट साइज का फोटो है, आधार कार्ड है, और एक कैंसिल चेक। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करने। उसके बाद में आता है आपका एक ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, जिसमें IRDAI की तरफ से आप लोगों को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और उस ट्रेनिंग के बाद में आप लोगों को एक एग्जाम देना पड़ता है। जैसे ये एग्जाम जो है वो काफ़ी इजी होती है, आप अगर ट्रेनिंग अच्छे से कर लेते हो तो एग्जाम इजी गोइंग से यहाँ पर क्रैक कर लेते हो, और उसके बाद में आप यहाँ पर एक सर्टिफाइड पार्टनर बनकर यहाँ पर काम करते हो, एंड देन यू विल गेट अ अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द HDFC बैंक कि ऑफिशियली आप यहाँ पर HDFC बैंक की तरफ से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो इस तरह का ये प्रोसेस है गाइज, और काफ़ी ईजी है। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए, और इसके लिए एज का क्राइटेरिया कोई नहीं है, एजुकेशन का क्राइटेरिया कोई नहीं है। अगर आप 12th पास हो, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड, कोई भी इंसान हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और
एक तो बात अच्छी है कि आप लोगों को जैसे ट्रेनिंग मिल जाती है तो आप एक जैसे 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 आगे बढ़ते हो तो आप लोगों का ग्रूमिंग सेशन हो गया, आपका ट्रेनिंग सेशन हो गया, वो काफी अच्छे से होने लगता है। तो डेफिनेटली आप लोगों का अर्निंग का पोटेंशियल भी जो है वो काफी अच्छा यहाँ पर बन जाता है। सो ये मत सोचो कि ये कमीशन बेसिस का जॉब है तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा। तो लीड जो है वो HDFC बैंक की तरफ से भी आप लोग को प्रोवाइड की जाती है और खुद की तरफ से भी आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ता है। तो दोनों तरह से है। अगर आप लोगों को घर पर बैठकर अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है तो ये एक ऐसा काम है जो आप मोबाइल के थ्रू में कर सकते हो, जिसके लिए इंग्लिश की जरूरत नहीं है, लैपटॉप की जरूरत नहीं है, आप घर पर बैठकर आराम से ये काम आपके मोबाइल के थ्रू में कर सकते हो। और पार्ट टाइम ये काम कर सकते हो, फुल टाइम में भी कर सकते हो, जैसे आप लोगों को लगता है कि जितना आप लोग का इंटरेस्ट है यहाँ पर काम करने का उस तरह से आप ये काम ये कर सकते हो। और काफी अच्छी ओपनिंग है। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मैं इस प्रोफाइल के लिए इलिजिबल हूँ तो ये काम कर सकते हो तो डेफिनेटली अप्लाई कर लेना। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। कोई भी क्वेरी आती है तो मुझे एक बार कमेंट डाउन जरूर करना। एंड यस ऑफ कोर्स गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जॉब अपडेट के साथ में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना।